यहाँ पर कंपनी दे रही है डिफरेंशियल लॉक, यानी कि ट्रैक्टर फंसने का झंझट ही खत्म कर दिया है कंपनी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश वाले लीवर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सीट एडजस्टिंग का लीवर, साथ में कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है पार्किंग ब्रेक की पोजिशन, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस ट्रैक्टर पर कंपनी ने देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश पीसी और डीसी लीवर भी दिए हैं। साथ में आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी दे रहा है ऑयल वाले ब्रेक, ब्रेक के साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर मैट बिछाकर भी रखा है। और इस ट्रैक्टर का लुक कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस और अच्छा दिखने वाला लुक दिया है। साथ में ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए आपको सिंगल पैदान कुछ इस तरह का मिलने वाला है। दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं डबल क्लच, यानी कि पीटीओ ऑपरेट के लिए अलग, साथ में आपको पीटीओ क्लच के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट क्लच पीटीओ अलग से देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के बाद देख सकते हैं व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। इसमें कंपनी दे रही है तीन लीवर, यहां पर आप देख सकते हैं लो हाई, साथ में आपको रिवर्स और फॉरवर्ड का लीवर यहां पर मिल जाता है। साथ में पीछे देख सकते हैं कंपनी डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब दे रही है। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए दो लीवर, साथ में आपको सीट एडजस्टिंग टाइप की डिलक्स टाइप में सीट आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों साइड में लुक देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए अच्छा खासा स्पेस कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, यानी कि स्पेस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कंपनी जो दे रहा है ऑयल वाले ब्रेक के पैडल, साथ में आपको क्लच वाले पैडल काफ़ी बेहतरीन मिल जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइलिश देखने वाले आपको पीसी और डीसी दोनों लीवर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाता है पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर आपको कंपनी दे रहा है डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का लीवर, जिससे कि आप लेजर लेबलर बड़ी आसानी से कोई भी इंप्लीमेंट चला पाएंगे। यहाँ पर आपको रिवर्स और 1, 2, 3, 4 वाला लीवर साइड में देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लो और हाई का लीवर दिया गया है, जिससे कि आप ट्रैक्टर पर लो गियर और हाई गियर बड़े आसानी से डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कंपनी दे रहा है डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कंट्रोल का लीवर, जो कि लीवर को जुगाड़बाजी कर उस तरफ लगाया गया है। ये देख सकते हैं लीवर मैं वहाँ से प्रेस कर रहा हूँ और जुगाड़बाजी करके यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए स्टीयरिंग की और डैशबोर्ड की, तो स्टीयरिंग देख सकते हैं 3-स्पोक व्हील वाला स्टीयरिंग दिया गया है, जिसमें आपको अलग टाइप में लोगो, साथ में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर आपको महिंद्रा का लोगो, और इसमें आपको कंपनी दे रहा है इंजन की पूरी 3000 RPM, हावर्स मीटर आपको डिजिटल में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसमें बाकी सब कुछ आपको एनालॉग टाइप में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने इसके मडगार्ड का रंग पीला कलर रखा है, और इसमें आपको सिंगल पीस बोनट भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने इसके डैशबोर्ड पर पूरे इंडिकेट आपको डैशबोर्ड पर ही प्रोवाइड कराए हैं। इसमें आपको डैशबोर्ड के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बत्ती वगैरह देखने को नहीं मिलती है, जो कि सिग्नल वगैरह के लिए दी जाती है। इसमें आपको सब कुछ डैशबोर्ड के अंदर ही मिलने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं लाइट के कंट्रोल स्विच वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग के लिए ये प्लास्टिक का छोटा सा बॉक्स, जो कि खुला टाइप में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ये 12 वोल्ट वाला सॉकेट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको चार्जर वगैरह लगाने के लिए मिलने वाला है। स्टॉपर स्विच यहाँ पर दिया गया है, और देख सकते हैं क्लच का पैडल और ब्रेक के पैडल आपको नॉर्मल टाइप का हैवी ड्यूटी वाले देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेक और क्लच आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसके ब्रेक और क्लच पैडल को प्रेस कर पाएंगे। इसमें आपके पैर वगैरह दर्द बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में आपको कुछ इस तरह के फेंडर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कंपनी दे रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट, जिससे कि इसके फेंडरों पर आप सीट वगैरह मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के डीजल खपत की, यानी कि एफएसएफसी वगैरह की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये ट्रैक्टर आपको पूरा 55 HP कैटेगरी के अंदर मिलने वाला है, जिसमें आपको 55 HP के हिसाब से 33.5 किलोवाट की PTU पावर और 251 ग्राम किलोवाट पर घंटे की SFC मिलने वाली है। इस तरफ की फेंडर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ का फेंडर भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मेन बात आती है इस ट्रैक्टर के इंजन की, तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन की, फिर बात करते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि इस नए सीरीज के पीले ट्रैक्टर पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो इंजन दिया गया है 4 सिलेंडर का वाटरकूल दमदार इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पूरा 55 HP कैटेगरी के अंदर आने वाला 3054 CC का वाटरकूल दमदार इंजन यूज़ किया गया है। इसमें आपको इंजन के 2100 rated RPM, साथ में आपको इसमें आपको 188 Nm का टॉर्क भी देखने को मिलने वाला है। ट्रैक्टर की टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 31 KMPH की आगे वाली स्पीड, साथ में आपको 13 KMPH की बैक स्पीड भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं ट्रैक्टर का पूरा लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। यह है दोस्तों हिंदुस्तान की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया हिंदुस्तान 60
ट्रैक्टर को कंपनी ने पूरा पूरा 4 सिलेंडर HP में 55 HP कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया है, जिसमें आपको देख सकते हैं हिंदुस्तान 60 की ब्रांडिंग आपको 3D में क्रोम फिनिश के साथ में देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको लुक बनाया गया है। दोस्तों इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला है 4 सिलेंडर का वाटर कूल्ड दमदार इंजन देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको सेल्फ मोटर मिलने वाली है, सेल्फ मोटर के ऊपर आपको ये कवर प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, जिससे कि इसके सेल्फ मोटर को आप डायरेक्ट वगैरह ना कर पाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एक्सल आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्यूटी वाला दिया गया है, जिसमें आपको ड्यूल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का यूज़ किया गया है। दोस्तों इसमें आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने वाला है, कंपनी इसमें दे रहा है 420 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको एक्सल के फ्रंट एक्सल के नीचे आपको एक्स्ट्रा बेड देखने को मिलने वाला है। सामने की लुक की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान 60 की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि देख सकते हैं हिंदुस्तान की ब्रांडिंग। और सामने आपको बेहतरीन क्वालिटी की जाली देख सकते हैं मिल जाती है। इस तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा 4 होल देखने को मिल जाते हैं, 4 आगे और 4 पीछे, जिससे कि आप ट्रैक्टर पर कोई भी इंप्लीमेंट वगैरह माउंट कर सकती हैं। और यहाँ पर आप हिंदुस्तान 60 की ब्रांडिंग भी बहुत ही आसानी से देख पाएंगे मिलने वाली है। दोस्तों इसमें आपको ड्यूल टैंडम पंप का यूज़ किया गया है, जो कि एक हाइड्रोलिक के लिए, साथ में आपको एक स्टीयरिंग के लिए देखने को मिलने वाला है। नीचे आप देख सकते हैं इंजन ऑयल फिल्टर दिया गया है। साइड माउंट आपको बैटरी लगभग 88 AH 12 वोल्ट वाली बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी के पीछे ही आपको हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है, जो कि हाइड्रोलिक फिल्टर का साइज़ कंपनी ने काफ़ी बड़ा बना कर दिया है, जो कि आज के टाइम पर महिंद्रा वगैरह पर कुछ मॉडलों पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको फुल्ली साइड गियर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कंपनी दे रही है 8 प्रकार की आगे वाली स्पीड, साथ में आपको 2 प्रकार की पीछे वाली स्पीड। टायर की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 7/50/16 का फ्रंट टायर साइज, साथ में आपको MRF कंपनी का टायर पीछे वाला मिलने वाला है, जो कि 16/9/28 का टायर साइज मिल जाता है। पीछे की व्यू की अगर बात की जाए तो पीछे का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है, जिसमें कंपनी दे रही है काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी वाले पार्ट्स। इसमें आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी 1600 किलोग्राम की मिलने वाली है, 55 लीटर वाला फ्यूल टैंक मिल जाता है। साथ में लोअर लिंक कंट्रोल करने के लिए इसमें कंपनी दे रही है चैन सिस्टम, इसमें आपको सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए एक्सल की, तो एक्सल आप देख सकते हैं कंपनी कुछ इस तरह का दे रही है, जो कि डबल इन बोर्ड टाइप में एक्सल इसमें यूज़ की है। और इसमें आपको फेंडर एडजस्टिंग के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि इसकी फेंडर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपलिंग फंसाने के लिए सिंगल पॉइंट दिया गया है। हिच के लिए देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप हिच वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए इंडिकेटर की, देख सकते हैं यहाँ पर मिलने वाली है, और रात में काम करने के लिए बल्फ यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश इंडिकेटर इसमें बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टाइप में देखने में मिलने वाला है। तो पीछे का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम बनाया गया है। 540 HP के साथ में कंपनी इसमें दे रही 43 HP की PTO पावर, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन PTO HP का यूज़ किया गया है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। ट्रैक्टर का लुक एक बार और देख सकते हैं, कुछ इस तरह का मिलने वाला है।